नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपको अपने ही YouTube चैनल में। आज का विषय है प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के समीप वृंदावन में स्थित है। इसका निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और राधा के मंदिर के रूप में करवाया गया। इसके निर्माण में 11 वर्ष का समय लगा और लगभग 100 करोड़ रुपए की धन राशि लगी है। इसमें इटालियन करारा संगमरमर का प्रयोग किया गया है। मंदिर दिल्ली आगरा कोलकाता के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 पर वृंदावन और भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग पर स्थित है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्प कला के पुनर्जागरण का एक नमूना है। संपूर्ण मंदिर 54 एकड़ में बना है। इसकी ऊंचाई 125 फुट, लंबाई 122 फुट तथा चौड़ाई 115 फीट है। इसमें फव्वारे, राधा कृष्ण की मनोहर झांकियां, श्री गोवर्धन लीला, कालियानाग दमन लीला, झूलन लीला की झांकियां उद्यानों के बीच सजाई गई है। यह मंदिर वास्तुकला के माध्यम से दिव्य प्रेम को साकार करता है। सभी जाति वर्ण देश के लोगों के लिए इनके प्रवेश द्वार खुले हैं। प्रवेश द्वार पर मयूरों के नक्काशीदार तोरण हैं। बाहरी दीवारों पर राधा कृष्ण की लीलाओं को शिल्पांकित किया गया है। मंदिर के अंदर प्रवेश के लिए कोई शुल्क नहीं है। सभी के लिए पूरी तरह से निशुल्क है यह मंदिर। यह मंदिर प्रेम का प्रतीक है। यह न केवल लोगों के सामान्य रूप को प्रदर्शित करता है, बल्कि राधा और कृष्ण के अगाध प्रेम को भी स्पष्ट करता है। वृंदावन में स्थित यह मंदिर राधा और कृष्ण की जन्मभूमि में ही बना हुआ है। कृपालु जी महाराज के अथक प्रयासों के द्वारा इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसको देखने के लिए भक्तजनों की भरपूर संख्या में भीड़ लगती है। इसकी आरती एक भव्य स्थिति को दर्शाती है। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक में बना यह मंदिर पूरी तरह से राधा कृष्णमय हो गया है। इस मंदिर में बिजली के साथ साथ कई तरह की नक्काशियों का प्रयोग किया गया है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।